हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और आपकी क्लास हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने फिर से एक बार। और आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, और फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है, मतलब की हम लोगों ने जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, उसमें करीब हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं कैटेगरी वाइज उन ड्रग्स का स्टडी कर रहे हैं, उसके फार्माकोलॉजी की स्टडी हो रही है। तो उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं आज हम लोग, ठीक है। इससे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों यहाँ पे खत्म कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं जिसमें हम कौन सी कैटेगरी की बात करेंगे, हम एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी की बात करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टसिव, इस तीन अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। जी प्रिया जी, गुड इवनिंग। और बाकी बच्चे जो लाइव आ चुके हैं प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज क्लियर है, और आवाज क्लियर है, बोर्ड क्लियर है, तो फिर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हम अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां जो होती है फार्माकोलॉजी में उनसे बात करने वाले हैं। और आज पार्ट 3 में हम लेकर आए हैं एस्ट्रिंजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टसिव, तीन तरह के ड्रग्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एस्ट्रिंजेंट। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कहीं किसी जगह पे, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप सेविंग कर रहे हैं, अगर जो लोग जेंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप सेविंग कर रहे हैं और आपके गाल में कहीं से कट हो जाता है तो खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है तो आप फिटकरी जब लगा देते हैं तो खून बहना बंद हो जाता है। वो फिटकरी क्या है? वो फिटकरी एक एस्ट्रिंजेंट है। कैसे काम करता है, काम कैसे करता है, इस तरह समझिए मेरे बच्चों, इस तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये आपका स्किन का सरफेस है और ये स्किन का सरफेस है, कई सारी सेल से मिलकर के यहाँ पे बना हुआ है। अचानक से जब कहीं से घाव हो गया, कहीं से कुछ घाव हो गया, मान लीजिए यहां से घाव हुआ और यहां से ब्लड बहना शुरू, जैसे ही आप इस पोजिशन पे कोई एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक एस्ट्रिंजेंट है, जब आपने इस एस्ट्रिंजेंट को इस सरफेस पे अप्लाई किया तो क्या करता है ये एस्ट्रिंजेंट, ये कैसे काम करता है, यहाँ की सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब यहाँ की सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो पोर्शन है ये खींच के ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये चीज भर जाएगा। यानी कि दो काम किया यहाँ पे इसने, इस एस्ट्रिंजेंट ने, पहले तो जो ब्लड वेसल था यानी कि जो खून की नली थी उसको सिकोड़ा यानी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया। जब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो जो खून बहने का ब्लड वेसल फैला था वो सिकुड़ जाएगा तो खून का बहना बंद हो जाएगा। दूसरा काम क्या करता है, आपका जो भी प्रोटीन है ब्लड में, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है आपको पता है एल्बुमिन प्रोटीन, उसको प्रेसिपिटेट करेगा। जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खून का थक्का जमेगा और खून बहना बंद हो जाएगा। यानी एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, दो काम करते हैं। पहला काम वो क्या करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि ब्लड का फ्लो बंद हो जाए, और कुल मिलाकर दूसरा प्रोटीन को प्रेसिपिटेट, यानी मोटी मोटी एक बात कही जाए, कहीं पर भी कट जाए, फिट जाए, इंटरनली या एक्सटर्नली जहां पर भी ब्लीडिंग शुरू हो रही है, एस्ट्रिंजेंट लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है, खून बंद हो जाता है। क्या कहता है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहता है The substance that causes the contraction or shrinkage of tissue का shrinkage tissue करता है and dry up the secretion और खून बहना बंद करता है, they are capable of arresting hemorrhage and reducing secretion, किसी भी प्रकार का secretion हो रहा हो या hemorrhage blood बह रहा हो उससे रोकने का काम करते हैं। इससे सिर्फ ब्लड के बहने को नहीं रोकते हैं, कहीं और भी किसी प्रकार का अगर secretion हो रहा है लिक्विड फॉर्म में है उसको रोकने का काम करते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं, ये एस्ट्रिंजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं, जैसे आप एग्जांपल, आप स्किन में दाढ़ी वगैरह बना रहे हैं तो आपने जो स्किन टोनर लगाया यानी एस्ट्रिंजेंट लगाया उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, आपकी जो त्वचा झुर्री पड़ने लगती है, थोड़ी सी फ्रेश लगने लगती है, या आप लोग सेविंग करते समय वॉइस यूज करते हो, फिनाइल यूज करते हो, जब स्किन टोनर वगैरह यूज करती हो, स्किन टोनर में एस्ट्रिंजेंट होता है, आपके स्किन को टाइट करता है। अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, जो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला एग्जांपल है गुरु, ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत लोगों ने खाया भी होगा, इसे कत्था कहते हैं, कत्था। कत्था आपने पान में अगर खाया होगा, और बनारस का पान तो फेमस है, खई के पान बनारस वाला है ना,
तो ये कत्था जो होता है ये कैटेचू होता है। देखिए लोगों ने, जो लोग खाते थे बड़े होशियार लोग थे, वो पान के साथ चूना खाते थे। चूना मुंह में जाएगा तो कुछ ना कुछ कटेगा, जब चूना मुंह में जाएगा तो कुछ ना कुछ कटेगा, जब कटता है क्यों कटने के लिए खाते हैं, क्योंकि जब आपके स्किन के अंदर वो कुछ लेयर को काटता है, स्किन के अंदर कुछ लेयर को काटता है। ऐसे कर देखता हूँ किसका फोन आ रहा है। जब वो स्किन के अंदर कुछ लेयर्स को काटता है तो उस समय आपकी जो सूती वगैरह होती है, निकोटीन वगैरह होती है, वो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड में पहुंचती है और आपको दिमाग में पहुंचती है और आपको मजा आता है नशे का। और जो कत्था होता है उसी कटे फिटे को फिर से भरने का काम करता है कि आपके मुंह में घाव ना हो, इसलिए कत्था लोग खाते ताकि चूने के असर को काट ले। तो कत्था क्या है? कत्था आप जानते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसको। कत्थे को अंग्रेजी में कैटेचू कहते हैं, कैटेचू। ठीक है, क्या कहते हैं? कैटेचू। हम नाम जान लेते हैं, ब्लैक कैटेचू है, रेड कैटेचू है। तो जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हो ब्लैक कैटेचू है। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे कैटेचू, कत्था, खादिम, खेर, अलग अलग नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, याद रखिएगा। व्हाट इज द फैमिली ऑफ कैटेचू? लेग्यू। कैसे मिलता है ये? हमेशा जो एक प्लांट है, प्लांट का नाम है अकेसिया कैटेचू, ध्यान दीजिएगा, प्लांट का नाम है अकेसिया कैटेचू। उसके क्या करते हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, काट करके तो एक्सट्रैक्ट निकलता है हार्डवुड से, उससे इसको बनाया जाता है। कैसे होता है, देखने में प्रॉपर्टीज क्या है भाई? कलर देखा जाए तो लाइट ब्राउन टू ब्लैक होता है, ऑर्डर कुछ नहीं, महकता तो बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट इसका एस्ट्रिजेंट होता है और साइज करीब 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो साइज होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों बेसिकली इसमें 10% तक क्या होता है, इसमें इसमें एक कैटेचिन होता है, एक कैटेचिन। जब कैटेचू से कैटेचिन निकलता है, एक कैटेचिन इसका सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है 10%। इसके साथ साथ इसमें ब्लैक कैटेचू और कैटेचू रेड, क्वार्सिटीन और गम, ये भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट इस प्लांट से पाए जाते हैं। कैटेचिन को ही हम लोग एकेसिथिन भी बोलते हैं, एकेसिथिन भी नाम से इसको जाना जाता है। यूज किया है, मैंने बताया कि एस्ट्रिजेंट है, कैसे काम आएगा? ये स्टैटिक और एंटी डायरियल एजेंट होता है, अगर किसी को वोमिटिंग वगैरह डायरिया वगैरह हो रही हो। इट इज यूज्ड फॉर द रिलैक्स कंडीशंस ऑफ थ्रोट, माउथ एंड गम्स। मुंह में छाले पड़ जाए, थ्रोट पे गम में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस केस में कत्था बहुत काम आने वाला चीज है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। कत्था जो होते हैं इसको एस्ट्रिजेंट यूज करते हैं, कूलिंग एंड डाइजेस्टिव पर्पस से इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको प्रिंटर जो इंक बनाई जाती है प्रिंटर की उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट छूट के बता दूं, जो वेब इंडस्ट्री होती है लेदर, जहाँ चमड़े का कारखाना होता है, तो चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए भी कत्थे का इस्तेमाल किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट। दूसरा आता है हमारा प्लांट का नाम है, इसका नाम है माइरोबिलान। माइरोबिलान भी एक कंपाउंड है, प्लांट से मिलता है और वो भी एस्ट्रिजेंट की तरह काम करता है। तो माइरोबिलान को हम लोग चिबुलिक एसिड, माइरोबिलान, हार्डे, हेरेटिक के नाम जानते हैं। फैमिली है इसका कंबर्टेसी, कंबर्टेसी फैमिली से प्राप्त होता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये टर्मिनेलिया चिबुला के फलों से प्राप्त होता है। ये फल प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला। उस टर्मिनेलिया चिबुला के प्लांट के फलों को ड्राई करने के बाद ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? तो मिराबिलान होता है, इसको करीब 30% क्या होते हैं, टैनिंस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें चिबुलिक एसिड और चिबुलिजाइक एसिड और डी ग्लाइक गैलेक्सोज, ये तीन हमारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। नोट्स पे देखिएगा, प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। अब हम देखिए इसका, ये प्लांट आपने सर की देखा होगा, माइरोबिलान का प्लांट कुछ ऐसा होता है और इसके ड्राई पार्ट से इसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एसेंशियल रेपुटेशन, कैसे प्राप्त करते हैं? इट इज रेपुटेड इन इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज ए ड्रग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज फाइल्स एज ए स्टोबैलिन, यानी इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये प्लांट। और ये बेसिकली पाइल्स यानी जो बवासीर होती है उसमें और पेट दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एक्सटर्नली इन क्रोनिक अल्सर वाउंड्स, बाहर हमें चोट फोड़ है, फोड़ा बुलसी है, घाव है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ वेल नोन रेपुटेशन त्रिफला, आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, इसी को मेरे बुलाए को त्रिफला कहते हैं, त्रिफला के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, इसको अलग अलग चीजों में, इस मसालों वगैरह में त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है। It is used in the dyeing and tanning industry, also in the water used for the locomotives. ठीक है, जहाँ पर भी पानी की सफाई की जाती है और जहाँ पर भी चमड़े की सफाई की जाती है वहाँ पर भी इस ड्रग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे दो ड्रग जो कि एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के थे। अब हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी के बारे में। नाम से लग रहा है एंटी मतलब रोकना, अपोजिट
हाइपरटेंशन मतलब, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। जब कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज हो जिसका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 बटे 80 होता है, उससे बढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा है, उस केस में, ऐसे पेशेंट को केस में, ऐसे केस में हम जो दवा लेते हैं उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। यानी कह सकते हैं तो बीपी को कंट्रोल करने के, जिसका हाई बीपी पेशेंट होता है उसके लिए। डेफिनेशन क्या कहता है कि द ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एज यू नो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन सच एज स्ट्रोक्स एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The word hypertension is derived from hyper above tender, मतलब hypertension मतलब hypo, जो tension होता है blood pressure को बढ़ जाने को उसको hypertension कहते हैं। ये well known है। तो ये इसके plants की बात करते हैं। पहला है Rolfia, Rolfia serpentina, इसको सर्पगंधा कहते हैं। इसको सर्पगंधा क्यों कहते हैं? इसको देखिए ये plant है, ये plant आपने कहीं देखा होगा। देखिए ये जो है इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सांप की जैसी होती है, इसलिए इसको सर्पगंधा कहते हैं। ये Rolfia serpentina बहुत ही फेमस प्लांट है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें प्लांट है। सिनोनिम्स की बात करें, इसको राउल्फिया रूट भी कहा जाता है, स्नेक रूट भी कहा जाता है, सांप की तरह है, और इसको छोटा चंद भी कहते हैं, छोटा चांद भी कहते हैं, क्योंकि छोटा सा चांद बनता है। फैमिली है एपोसाइनेसी। ओके, एपोसाइनेसी। बायोसोर्स की बात करते हैं कि ये रूट किस प्लांट के, राउल्फिया सर्पेंटाइना के रूट से प्राप्त होता है। बॉटनिकल नेम इज द राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसके प्लांट के रूट से मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए इसमें राउल्फिया में एल्कोलाइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है इस प्लांट में। देखिए ये प्लांट है राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसमें देखा जाए तो आप बेसिकली इसमें फाइटोएस्टेरॉल, फैटी एसिड, रेसरपीन, रेसरपीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एंड रेसिन एमीन। रेसरपीन और रेसिन एमीन दो कंपाउंड्स असर एल्कोलाइड होते हैं। इसका जो मेन असर जो है इस प्लांट का वो इसी का होता है, रेसरपीन और रेसर और ये इसके साथ इसमें एंड्रोल एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या यूज है इसका रॉल्फिया सर्पेंटाइना का? तो रॉल्फिया का स्टडी किया गया अलग अलग मेंटल डिजीज में। अगर किसी को बीमारी दिमाग की है, उसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा, तो इस रॉल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा हिंदी में कहते हैं सर्पगंधा, इसकी जड़ी बूटी दी जाती है, दिमाग के लिए होता है। रॉल्फिया ट्रीटेड माइग्रेन हेडेक इफेक्टिवली। रॉल्फिया स्टडी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द ऑलोस्टिक चाइल्ड बिटवीन इज ऑफ 3.5 to 9 देखा जाए छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में जो माइग्रेन की दिक्कत होती है, बहुत एक सर आज का पानी कहते हैं सर में दर्द लगातार बना रहता है, तो उस माइग्रेन की दिक्कत के लिए दोस्तों सर्पगंधा की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज लीड्स टू जनरलाइज्ड वैसोडायलेशन एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर। एक सबसे खास काम क्या है कि वैसोडायलेशन करता है, ब्लड प्रेशर जो सिकुड़ी हुई है इसको फैलाएगा, और जब ब्लड प्रेशर सिकुड़ी को फैलाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर को डाउन करने का, इसके साथ साथ ये डिप्रेशन की तरह काम करता है। दिमाग के पेशेंट को देते हैं अगर उनको डिप्रेशन की बीमारी है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वाले में एक ही कैटेगरी की ड्रग थी हमारी पढ़ने सिलेबस था, वो राउल्फिया सर्पेंटाइना। अब हम बात करेंगे एंटी टस्टिव ड्रग के बारे में। व्हाट आर द एंटी टस्टिव? आपने देखा होगा दोस्तों ये मौसम भी चल रहा है खांसी का, जुकाम का, बुखार का, और बहुत सारी खांसी आती है लोगों को। तो जो खांसी आने वाली केस है, ठीक है, उससे जो हम क्या करते हैं उसे हम एंटी टस्टिव कहते हैं। बेसिकली खांसी की दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। सूखी खांसी में बलगम नहीं बनता है, गीली खांसी में बलगम बनता है, यानी बलगम की वजह से खांसी आती है। तो जो बलगम को काटने वाला जो ड्रग है उसे एंटी टस्टिव कहते हैं, ठीक है, और जो बलगम नहीं होता उसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। तो हम एंटी टस्टिव की बात कर रहे हैं कि जो बलगम काटेगा। द ड्रग व्हिच आर यूज्ड टू डिप्रेस कफ थ्रू इंटायर सेंट्रल पेरिफेरल मेडिकलिज्म और आपके म्यूकस को रिलीज को रोकता है, यानी कि ज्यादा बलगम ही नहीं बनेगा अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल। इस तरह से काम करता है। चलिए इसके दिमाग हम उसकी दवाइयों को पढ़ लेते हैं, और इसमें सबसे पहली दवाई हमारी आती है ये प्लांट। देख लीजिए ये प्लांट शायद आपके कॉलेज में मेडिसिनल गार्डन वगैरह में आपने देखा हो, इसे वसाका कहते हैं। वसाका, ये वसाका प्लांट है। वसाका से बहुत अच्छी खांसी के सिरप वगैरह बनाए जाते हैं, बाबा रामदेव इसको काढ़ा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अधा दाता भी कहते हैं, अधा दाता,
ठीक है, अर्थात भी कहते हैं इसका दूसरा नाम है, फैमिली होती है एकैंथेसी फैमिली है। कहां से मिलता है, देखिए ये पत्तियों से मिलता है, किस प्लांट के, प्लांट का नाम है अधाटोडा वसिका, अधाटोडा वसिका नीज, आई रिपीट अधाटोडा वसिका नीज, इस प्लांट की पत्तियों से, हरी पत्तियों से ये ड्रग निकाला जाता है। ठीक है, क्या क्या कंटेनर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्विनाजोलिन एल्कलॉइड पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें वेसिसिन वेसिसोन और 6-हाइड्रोक्सी वेसिसिन, ये तीन कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एल्कलॉइड नेचर के होते हैं। इसके साथ साथ इसमें वोलेटाइल ऑयल बीटेन वेसिकिन और एल्हेटोडा एसिड भी, तीन चीजें पाई जाती है, ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे काम करता है, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, कैसे ये ब्रोंको डायलेटर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि आपको ब्रोंकाई को डायलेट करेगा, इससे खांसी नहीं आएगी, आपको जो दिक्कत हो रही है अस्थमा वगैरह पेशेंट के लिए। इट इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ द सिरप एट एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट सिरप के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स इन अस्थमा, अस्थमा में काम करते हैं, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज एंड लंग्स, जो लंग्स में जो खांसी में जब अस्थमा में जाम हो गया उसको क्लियर करता है, साफ करता है। वसेका इज गुड रिजल्ट इन द डिस्पेप्सिया गैस्ट्राइटिस एसिडिटी, किसी को गैस बनती हो, किसी को एसिडिटी हो, उस केस में भी वसा का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इट रिड्यूसेस एसिड फॉर्मेशन इन द स्टमक, पेट में जो एक्स्ट्रा एसिडिटी में एसिड बनता है उसको रोकता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, अलग अलग प्रकार के सर्दी जुकाम में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको रोकने का ये काम करता है। ठीक है, अगला प्लांट है दोस्तों टोलू बालसम। ये टोलू बालसम शायद आपने ये प्लांट देखा होगा, ये आप देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं तो मूंगफली जैसे कलर का है, बड़े बड़े होते हैं प्लांट होते हैं, इसे टोलू बालसम है। ठीक है, अभी टोलू बालसम क्या है, इसको बालसम और टोलू भी कहते हैं, सिनोनिम इसे है बालसम और टोलू। इसके साथ साथ फैमिली है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ये मिरोक्सिलान बालसम से मिलता है, इसका जिससे एक ट्रंक होता है पेड़ का, उसके प्लांट का नाम है मिरोक्सिलान बालसमम। ठीक है, मिरोक्सिलान बालसमम, ये प्लांट सारे प्लांट के नाम आप याद कर लोगे ओनोसी में, लेकिन याद कर लूंगा, मैंने कुछ ट्रिक अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप कैसे याद कर सकते हैं पर आप उसको रेफर कर सकते हैं जरूर। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, इसमें बेसिकली बेंजिल सिनामिक एस्टर, बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड, ये तीन प्रमुख कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ क्वांटिटी में वैनिलिन और एस्टर ऑयल प्रेजेंट होते हैं टोलू बालसम। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज है एक्सपेक्टोरेंट और फ्लेवरिंग जेल की तरह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसको फ्लेवरिंग जेल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक्सपेक्टोरेंट है खांसी के लिए, एंटीसेप्टिक भी होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और इसके साथ साथ ये कन्फेक्शनरी च्यूइंग गम, जो च्यूइंग गम बनाई जाती है उसमें फ्लेवर के लिए इसको डाला जाता है, च्यूइंग गम का एक बहुत ही खास कंपोनेंट है। दोस्तों ये रहा हमारा तीन टॉपिक, यानी हम लोगों ने पार्ट थ्री में तीन टॉपिक डिस्कस कर लिया, यानी पूरे मैंने बताया कि चैप्टर नंबर फाइव में 18-20 टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने तीन टॉपिक, इसमें इससे पहले दो, इससे पहले तीन, यानी हम लोगों ने 7-8 टॉपिक खत्म कर लिया है, 6-7 पार्ट में हम पूरी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 को खत्म करने के बाद ही हम एचएपी को फिर से स्टार्ट करेंगे, अभी कोशिश यही जारी है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, सब ख्याल रखना।